हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो गाइस, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई के द्वारा आप लोगों के लिए आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एनुअल एग्जामिनेशन। उसमें आपका टोटल 80 मार्क्स होने वाले हैं। उसमें आपका कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये आपको हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। और किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन में क्लास 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस का, उसका भी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला वीडियो था, तो गाइस ये वाला वीडियो को आप लोग डेफिनेटली वॉच कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। उसमें आपको पूरी तरह से आपको बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस उस वीडियो पे आप लोग का एक कमेंट आया था कि भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। गाइस आज के वीडियो में बेसिकली आपको यही बताएंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो गाइस जैसे कि सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 9, 10 एंड 11, 12 के, उसमें तो फर्स्टली आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, वो 40% आने वाले, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 40% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद गाइस आप लोगों को बता दें कि 20% आप लोगों का यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद 40% क्वेश्चन आप लोग के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले। तो गाइस ओवरऑल बात करें तो आप ओवरऑल देखें तो आप लोग का 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। तो गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। तो गाइस आप लोग सारे तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक बुक मिल जाएगा। उस बुक को क्लास 9, 11, 12 सारे 9, 11, 12 सारे क्लास के स्टूडेंट आप लोग परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लो, उस बुक से आप लोग पूरे फुल्ली एनुअल एग्जामिनेशन का तैयारी आप लोग कर सकते हो। उसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन आपको उस बुक में मिलेंगे। तो गाइस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस बुक को जरूर जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए आपको आज के आगे वीडियो में बताते हैं कि आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। उससे पहले अभी तक आप स्टडी भी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अपने चैनल पर इसी तरह का वीडियोज लाते रहते हैं। तो गाइस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए आप लोग को बताते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। अपने टॉपिक पे आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा साइंस का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। अ स्टूडेंट नोटिस दैट अ न्यू हैमर मेड ऑफ आयरन इज शाइनी व्हाइल एन ओल्ड वन किप्ड इन द टूल बॉक्स फॉर अ लॉन्गर हैज रेडिश ब्राउन पाउडर डिपॉजिट ओवर इट। व्हाट डज द चेंज इन कलर ऑफ द हैमर इंडिकेट। तो गाइस इस क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि एक जो हैमर था उसको ऐसे एक टूल बॉक्स में रखा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसको ऑब्जर्व किया गया था, उसके ऊपर एक रेडी ब्राउन कलर का एक डिपॉजिटेड पाउडर आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन को सिंपली आपसे ये भी पूछ सकता था कि अगर किसी भी मेटल पे अगर ऊपर से कोई लेयर जम जाता है ब्राउनी कलर का, तो वो क्या होता है, आपको सिंपली ये पूछा जा सकता है। लेकिन आपको देखिए इसमें फुल्ली तरह से घुमा कर पूछा जा रहा है, स्टूडेंट नोटिस इस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि इसमें आपके क्वेश्चन, देखिए आपको इस क्वेश्चन में फुल्ली तरह से पूरा क्वेश्चन को ही घुमा दिया गया ताकि आपके कंसेप्ट के इसमें टेस्ट लिया जाता है। सो गाइस चलिए इसका आंसर बता, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे सिंपली क्रोजन का इफेक्ट हो रहा है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे क्रोजन इफेक्ट होता है तो किसी भी मेटल पे ब्राउनी कलर का एक लेयर आ जाता है। तो गाइस सिंपली इतना ईजी क्वेश्चन को इतना घुमा कर बताया गया था, इसी को केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। गाइस चलिए एक मैथ्स का भी क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कि मैथ्स में आप लोग के केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, इसमें राहुल हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिवन, ही कट्स इच रिवन इनटू पीसेस सच दैट ऑल पीसेज आर इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इच पीस। तो गाइस देखिए इसमें सिंपली आपको पता है क्या करना है, इस 40 को और 84 का एलसीएम आपको निकाल देना है। आप दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। तो गाइस इसमें आपको सिंपली इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना था। वही इतना इजी क्वेश्चन, बस इसमें आपको एच सी एफ निकालना था और इस क्वेश्चन को इतना घुमा कर दिया गया था कि राहुल एच 40 पीस लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। तो गाइस देख सकते हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह का होता है कि आपका कंसेप्ट फुली क्लियर होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो गाइस इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को जो अभी आप देख रहे हो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और गाइस जब आप अपने टर्म 2 या एग्जामिनेशन इसमें अपना एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बुक प्रेफर करना चाहते हो, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको एक बेस्ट बुक का लिंक मिलेगा, वहाँ से अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। तो उस बुक को जरूर से जरूर परचेज कर लेना। 9, 10, 11, 12 सारे क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आप स्टडी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लो, क्योंकि आपको पता है कि हम चैनल पर इस तरह का वीडियोज लाते रहते हैं। तो गाइस चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, बहुत